विंटर में हमारे घर में होती है बहुत सारी मटर और हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मटर से क्या क्या बनाएं। मैं हूं शेफ निकी और आज हम बनाने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी मटर का ढोकला। सबसे पहले हम जार में एक कप ताजे मटर ले लेंगे, साथ में ऐड करेंगे 1/4 कप धनिया, 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च, अदरक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून जितना पानी मिलाएंगे और इसे पीस लेंगे। अब एक बाउल में हम ले लेंगे 1 कप सूजी, पीसे हुए मटर का पेस्ट ऐड करेंगे, 1/2 कप दही ऐड करेंगे। सूजी के साथ इन दोनों चीजों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी के साथ सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कवर कर लेंगे और 1/2 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक और 2 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम एक स्टील की थाली या फिर टीन को तेल से ग्रीस कर लेंगे। बैटर को थाली में इतना भरेंगे जिससे थोड़ा सा स्पेस रह जाए, क्योंकि हमारा जो ढोकला है वो फूलने वाला है। स्टीमर को मैंने पहले से गर्म कर लिया था। इसमें हम ये थाली रखेंगे और ढोकला को स्टीम होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। ढोकला रेडी हो चुका है, इसे हम थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा धनिया। अब एक छोटा सा पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे। राई को अच्छे से चटकने देंगे। राई के चटकने के बाद ऐड करेंगे तिल, लंबी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे फ्रेश करी लीव्स। तड़का तैयार है। अब हम इसे ढोकला के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। हमारा मटर ढोकला रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं हरी चटनी या केचप के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार।